स्वागत है फ्रेंड्स आज की न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको पता होगा कि बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप का लास्ट डेट 30 नवंबर करार दिया गया है। पहले जो कि आपका 31 अक्टूबर था और ये आपका बढ़ के एक महीना एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि 30 नवंबर आपका यहाँ पर लास्ट डेट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसको ऑनलाइन लॉगिन करके उसको लास्ट फाइनल सबमिट कैसे करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सर्च बार में जाना है, वहाँ पर टाइप करना है MAEF, ठीक है, इसे सर्च कर दें। जैसा कि देख रहे हैं अपन न्यू इंटरफेस खुल गया है, तो सबसे नीचे वाला कॉलम में जाना है और जिसका ऑफिशियल होम वेबसाइट है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप, इसका आप देख सकते हैं BHMNSMAF.org। तो यहाँ पे आपको एक बार इस बॉक्स में क्लिक करना है, ठीक है, तो मैं क्लिक कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स आपने पहले रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है और आपका स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म भी, वो भी साइन सिग्नेचर करके लेके आप एक क्या कहता है उसको फोटो खींच के उसको एक साइट में बना के रखना है, ठीक है। आपको अभी लॉगिन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लॉगिन में जाना है। तो ये वाला लॉगिन में मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया था जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर को ध्यान में रखते हुए और उसका OTP आएगा वो देना है। तो जैसा कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो जो मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, उसके बाद सेंड OTP में एक बार क्लिक करें तो आपका ना जो OTP आएगा उसको वेरीफाइड के लिए आप एक बार अपना मैसेज में जाके चेक कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो OTP है OTP यहाँ पर आप दे दें, उसके बाद वेरीफाई OTP कर दें। देख लिए OTP वेरीफाइड जो रेड कलर का इसमें आइकन है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना है, ठीक है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है फ्रेंड्स वो डेट ऑफ बर्थ को इस कॉलम में डाल देना है सिंपली से। उसके बाद ये जो इंटर कैप्चा कोड है यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, अक्सर आदमी यहाँ पे मिस करता है। तो कैप्चा कोड में होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो आपका 7+5 है या जिस टाइप का होगा उसका कैलकुलेशन करके मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है, तब वहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर 7+5 इक्वल टू दिया हुआ, तो आपको 12 लिख देना है। उसके बाद लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन में क्लिक करोगे फ्रेंड्स आपका एक न्यू इंटरफेस खुल जाएगा इस टाइप का। आप देख सकते हो जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था ये सारा डिटेल्स भी देख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। और आपको अभी करना कुछ नहीं है, बस जो जो मांग रहा है उसको आपको भरना है फ्रेंड्स। मैं एक बार आपको कस्टम के रूप में आपको बताता देता हूँ कि इसमें क्या क्या भरना है। सबसे पहले आधार नंबर देना है इस कॉलम में, उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम, उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, फिर नीचे करता हूँ मैं, उसके बाद IFC कोड होगा, मार्क्स ऑब्टेन प्रीवियस ईयर में कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हो वो देना है, उसके बाद टोटल मार्क्स प्रीवियस ईयर का ये मार्क्स, इसके बाद परसेंटेज ये जो मार्क्स ऑब्टेन तो कितना परसेंट मार्क्स लाए थे प्रीवियस ईयर में, आपका फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, आपका फादर का कौन सा ऑक्यूपेशन है व्यवसाय क्या है, उसके बाद अपना जो है फादर का एनुअल इनकम दे देना है, उसके बाद अपना स्कूल फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट अगर है तो दे देना है, प्रिंसिपल मोबाइल अगर है तो दे देना, नहीं तो छोड़ देना है इसको। उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल मेल ID इसको भी आपको है तो देना, नहीं तो इसे खाली छोड़ देना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ करना क्या है, वेरीफाइड स्कूल वेरीफिकेशन फॉर्म, जो आपका वेरीफिकेशन स्कूल फॉर्म होगा उसको अपलोड करना है, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आप तीसरे नंबर में देख रहे हैं क्या, रीजनल लैंग्वेज, ये किसी के पास नहीं होता है तो ये वाला बॉक्स में इसमें आपको क्लिक नहीं करना है, अगर नहीं है तो क्लिक नहीं करना है, अगर है तो क्लिक करके अपलोड कर देना है, तो इसको छोड़ ही देना है, ठीक है, इसको इस पर आपको नहीं आना है। उसके साथ करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मार्कशीट, यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपका प्रीवियस मार्कशीट का, वो इसमें अपलोड करना है। उसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, इसमें बैंक पासबुक का सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। उसके बाद तीसरा नंबर में आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड जो भी है उसको चूज फाइल करके सिलेक्ट करके लास्ट में आपको क्या करना है, नीचे I agree में क्लिक करके, ठीक है, ये क्लिक करके उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो मैं देख रहा हूँ एक एक करके लाइव डेमो के साथ इसमें फुल फिल करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए मेरे साथ बने रहें आप। तो जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स इस तरह से अपना सारा डिटेल्स को यहाँ पे इस बॉक्स में यानी फिल कर दिए हम, आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसमें इसी तरह दे देना है, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट में जो आपका इनकम आई होगा वो आई डाल देना है, उसके बाद स्कूल का सारा डिटेल्स को ब्लैंक छोड़ देना है अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाइड स्कूल वेरीफिकेशन फॉर्म है, इसको अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल में जाना है और जो आपका स्कूल वेरीफिकेशन फॉर्म है उसको जाके आपको सीधा सेलेक्ट कर देना है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद फ्रेंड्स लास्ट में आपका लिखा हुआ होगा फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट में आपको फाइनली से क्लिक कर देना है। सिंपली से क्लिक करने के बाद उसके बाद देखना है कि इसमें क्या इंटरफेस आ रहा है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ क्या आ रहा है, ये आपको थोड़ा नोट करने वाली बात है। अप्लीकेशन अंडर बेगम हज़रत महल मिस सबमिट अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, इतना ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना, यानी कि आपका फाइनल सबमिट एक्सेप्टेड हो गया फ्रेंड्स। तो आप वेट कर लें जब तक आपका रुपया नहीं आ जाता है, वो
वो बात की बात है, लेकिन अभी ये पूरा प्रोसेस आपका यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर लाइक अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि इसका डेट एक्सटेंड हो गया है और ये इसका लाभ ले पाए। तो फ्रेंड्स, चलता हूँ मैं अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।